बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माई YouTube चैनल कुक विद सादिया अमीन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड बनाना डेजर्ट। कस्टर्ड बनाना डेजर्ट बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाता है और ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। एक कप मैंने दूध लिया है, 1 कप मिल्क। देखें जी, ये जो है मेजरिंग कप्स हर घर में मौजूद होते हैं। 1 कप दूध मैंने लिया है, 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है। अगर आपके पास बनाना कस्टर्ड पाउडर अवेलेबल नहीं है तो वनीला कस्टर्ड पाउडर भी आप यूज़ कर सकती हैं। 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1/4 कप, 1/4 कप, 1/4 कप मैंने शुगर ली है। कुछ बिस्किट्स मैंने लिए हैं लेयरिंग के लिए। ये मैंने ये ग्लूको बिस्किट लिए हैं, आपको जो पसंद है आप यूज़ कीजिए। अच्छा, 1 पैकेट मैंने जो है वो बनाना क्रिस्टल जेली का यूज़ किया हुआ है। बनाना क्रिस्टल जेली का मैंने पैकेट यूज़ किया है और कुछ बनानास की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सॉस पैन जो है मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब मैं अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसमें शामिल कर दूंगी। सबसे पहले मैं मिल्क डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूध डाल दिया मैंने। अब मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कस्टर्ड पाउडर भी साथ ही डाल रही हूँ। ठीक है, कस्टर्ड पाउडर मैं डाल चुकी। अब मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। ठीक है, दूध डाल दिया, चीनी डाल दी, कॉर्नफ्लोर डाल दिया और कस्टर्ड पाउडर डाल दिया। अब मैं इन चारों चीज़ों को अच्छे से स्टिर करूँगी और मिक्स करके चलाती रहूँगी और पकाती रहूँगी और थोड़ा सा हमें क्विक पकाना है। कस्टर्ड जो है हमें अपना थिक चाहिए। अब मैं फ्लेम मैंने जो है तकरीबन लो मीडियम रखी हुई है और अब मैं स्टिर करती रहूँगी जब तक कि हमारा कस्टर्ड जो अच्छा सा थिक नहीं हो जाता। देखें व्यूअर्स, कस्टर्ड हमारा फौरन से थिक हो चुका है। देखें जी, टेक्सचर आप देख रहे हैं। ठीक है, देखें जी, अब हम अपनी सर्विंग ट्रे में जो है इसकी लेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले मैंने जो बिस्किट्स हैं उनको दूध में जो है हल्का सा डिप करके मैं डिश में इनको सेट करती जाऊँगी। बिस्किट की लेयर मैंने बिछा दी है। इसके बाद अब मैंने कस्टर्ड अपना डालना शुरू किया है। थोड़ा सा सारा कस्टर्ड जो है इसके ऊपर नहीं डाल देना क्योंकि हम 2 लेयर्स बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने कस्टर्ड की लेयर्स जो है वो सेट कर ली है। अब हम इस पर कुछ बनानास जो है मैंने काट के रखे हुए हैं वो बनानास जो है मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूंगी। ठीक है, इस तरीके से बनानास मैं इस पर डाल दूंगी। बनानास की लेयर मैं बिछा चुकी हूँ। अब मैं अगेन ये लेयरिंग की जो प्रोसेस है वो रिपीट करूँगी। मैं बिस्किट को फिर से अगेन जो है मिल्क में जो है वो डिप करूँगी और ये लेयर बिछाऊँगी बिस्किट की। इसके बाद अगेन मैं कस्टर्ड की जो है वो लेयर डालूँगी और उसके बाद फिर हम बनानास को सेट करेंगे। अब हम क्रिस्टल जेली रेडी करेंगे। 1 कप मैंने पानी ले लिया है, 1 कप पानी ले लिया है और अब मैं अपनी क्रिस्टल जेली इसमें ऐड करूँगी। देखें जी, हमने जो है अपनी फाइनल जो है बनाना की लेयरिंग भी कंप्लीट कर ली है। अब सिर्फ मैंने क्रिस्टल जेली भी जो है पका के जो है 5 मिनट इसको ठंडा कर लिया है। अब मैं अपनी क्रिस्टल जेली इसके ऊपर डाल दूंगी। और इस डेजर्ट को मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कस्टर्ड बनाना डेजर्ट बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही यमी बनती है, सबको बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को थम्स अप कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।